अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे वेजिटेबल एंड चिकन गोला कबाब। इसके लिए मैंने एक रेड बेल पेपर, एक ग्रीन और हाफ येलो बेल पेपर ली है, 2 स्मॉल ऑनियन, 2 से 3 ग्रीन चिली और 150 ग्राम चिकन लिया। सबसे पहले सब्जियों को चॉपर में डालकर चॉप कर लें। फिर जब सब्जियां अच्छे से चॉप हो जाएं तो इनको निकाल लें और इनके अंदर से सारा एक्सेस वाटर जो है, जितना भी पानी है, वो रिमूव कर दें। जब सब्जियों का पानी मुकम्मल तौर पर खुश्क हो जाए तो फिर इसको दोबारा से चॉपर में डालें और चिकन साथ डालें। और 1 टेबल स्पून ब्लैक पेपर, 1 टेबल स्पून सॉल्ट और 1/2 टेबल स्पून धनिया का पाउडर डाल के अच्छे से चॉप कर लें और 2 टेबल स्पून हरा धनिया भी डाल लें। जब ये मिक्सचर अच्छे से चॉप हो जाए तो इसे प्लेट में निकाल के गोला कबाब बना लें। अगर आपको लगे कि आपका मिक्सचर में पानी है तो इसमें 2 से 3 टेबल स्पून बेसन डालकर अच्छे से मिक्स करें और फिर इसके गोला कबाब बना लें। फिर आप फ्राई पैन गर्म करें, उसमें 1 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल डालें और तमाम गोला कबाब उसके अंदर डाल दें और उसको अच्छे से पकने दें लो टू मीडियम फ्लेम पर। जब एक साइड से गोला कबाब पक जाए तो फिर उनको दूसरी साइड फिर उनकी साइड चेंज करके दूसरी साइड से उनको पका लें और अच्छे से जब दोनों साइडों से पक जाए तो इनको डिश आउट कर दें और तैयार हैं आपके हेल्दी गोला कबाब। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।